क्या होते हैं? सर फर्स्ट जो है फीफो कॉस्टिंग, उसमें तो सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले मटेरियल आता है उसको ही पहले यूज करते हैं। अच्छा जी, लाइफो जो है सर, उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो आखिर में आया होता है उसे पहले यूज किया जाता है। और एवरेज कॉस्टिंग में सर वो तो एवरेज ले लेते हैं यूज ठीक करते हो गया, वक्त। ठीक हो गया। मटेरियल कॉस्टिंग के बेटा आपने कहा है कि तीन मेथड्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को, फाइफो, लाइफो और एवरेज। अच्छा इसकी ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ अक्सर फाइफो की। अंडे वाली सर हाँ अंडों वाली, और चावलों वाली सर, हाँ चावलों वाली भी, लेकिन अंडों वाली ज्यादा होती है, सर चावलों वाली नीचे वाली होती है सर, लाइफो चावलों वाली वाली। लाइफो वाली है। बिल्कुल बच्चों, फाइफो जो अंडे हैं, मतलब अंडे जो हमारे पास आते हैं, हम पहले कौन से अंडे कस्टमर को बेचेंगे? जो पुराने, जो पहले आए हैं, जो पहले आए हैं, ठीक है। एग्ज में फाइफो, जो पहले आए अंडे उनको पहले बेचो। लाइफो में राइस, पुराना चावल नहीं बेचते, वो क्या नया चावल बेचते हैं जानबूझ के, जितना पुराना होगा उतना महंगा बिकेगा। एवरेज में फिर बच्चों को दोनों मिक्स हो जाते हैं आपस लो भाई चैंपियंस। बच्चों ये क्वेश्चन है, वो हमें कह रहा है कि मटेरियल लेजर कार्ड बनाए, पर बेटा हम क्या लिखते हैं इसको? कहते हैं मटेरियल लेजर कार्ड, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइफो। तो मटेरियल भी लिखते हैं फाइफो मटेरियल, तो नीचे लिख देते हैं मटेरियल, जैसे लिखा हुआ ना मटेरियल नेम एज ई, पता नहीं क्या लिखा हुआ सर, ई कनेक्टर ई कंप्यूटर, पता नहीं क्या। हाँ ई कनेक्टर कंपनी का नाम है। नहीं, मटेरियल का नाम, मटेरियल का नाम है सर, मटेरियल का नाम ये ऊपर लिख के। अच्छा यहाँ पे हमने डेट बनाई, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट अप्रैल, 200 आइटम्स, 8 रुपए का एक आइटम है, यही चीज उठा के यहां डाल दो। यही हमारा क्या है? बैलेंस, जो रिसीव हुए वही बैलेंस है हमारा। इसके अंदर बेसिकली हमने तीन कॉलम्स बनाए हैं, इशू, रिसीव और बैलेंस। नेक्स्ट, 8th of April की बात हो रही है, हमने और रिसीव कर लिए 50, 10 के हिसाब से, पुराने वाले नीचे उतारो, नए वाले यहां से लो, ये हमारा नया क्या बन गया? बैलेंस। अब ऊपर वाले बैलेंस को छोड़ देते हैं, अब नया है बच्चों, 100 बेचो, अब इसमें से इशू करो, 100 इशू करो इसमें से 16 अप्रैल को।
सर फाइफो है तो ऊपर से इशू करने हैं जो पहले आए हैं, पहले ये वाले आए हैं, पहले ये वाले आए हैं। तो हमेशा याद रखना पहले ऊपर वाले आए हैं तो हम पहले ऊपर वाले इशू करेंगे, 100 इशू करने हैं। कितने के हिसाब से करेंगे, पहले वालों का रेट क्या है, 8 बेटा ये 100 बच जाएंगे, लो। और 200 में से यार 100 निकल गए तो 100 बच गए ना, और नीचे वाले 50 बच गए, और आ गए 120 24 अप्रैल को। बच्चों आ गए, आए और किस हिसाब से आए, 12 के हिसाब से। पहले वाले ये नीचे ले आओ, और यहां वाले नए आ गए ना, अब ये नए आ गए, लो। अब कहते हैं 170 इशू करो, यार 100 ऊपर से करेंगे और 50 यहां से करेंगे, 100 यहां से, 50 यहां से, और 20 और। देखो ना बच्चों 170 पूरे करने हैं ना। अगला कहते हैं भाई 170 मुझे दो भाई अंडे, 100 हमने यहां से उठा के दिए, फिर एक नया पैकेट खोला 50, उसने कहा अभी भी नहीं पूरे हुए, फिर यहां से उठा के दिए, पूरे हो गए अंडे, 8, 10, 12 रेट है। लो भाई बच्चों लो हो गया। अब जब ये भी बिक गए, 12 रेट है, सर 10 लिखा, 12 12 12 12। तो बच्चों यहां से 20 ये भी गए, ये भी गए, तो आखिर में कितने बच गए, 100। लो भाई बच्चों ये हो गया। अब जिस लाइन को मैंने येलो किया है ना, ये वाली लाइन, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 1200 का। और बच्चों ये जो येलो लाइन है ना, ये वाली, ये वाली, ये हमारा मटेरियल यूज्ड है, 800 प्लस 800 लो। अब हम इसी चीज को किस मेथड से बच्चों करेंगे, लाइफो के मेथड से इसी चीज को किसे कर लेते हैं, ऊपर हम लोगों ने चेंज कर दिया। बच्चों पहली एंट्री रिसीव उसी तरह, दूसरी भी उसी तरह, तीसरी हाँ अब चेंज हो गई। देखो 100 इशू करने हैं, 50 नीचे वाले लाइफो में नीचे से इशू होंगे, यानी जो स्टॉक पड़ा हुआ है नीचे वाला, ये वाला पहले, 50 वाला लाइफो में लास्ट इन, जो लास्ट वाले हैं, लास्ट वाले हैं, लाइफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट वाले हैं पहले, पहले वो इशू करो। कितने पूरे करने हैं, 100, ये तो अभी 50 हुए हैं। वो अगला कहेगा मेरे 100 पूरे करो, तो
250 यहां से उठा के देने पड़ेंगे। उनका रेट क्या है बच्चों? 400। अब बताओ क्या होगा? सर जी 150 बच गए ना, 150 बच गए ना, लिख दें। ये मैंने लिख दिया, ये वाले तो अब बचे ही नहीं है, नए ये आ गए तो ये हमारा स्टॉक हो गया हमारा। सर ये गैप बीच में क्यों है? बस यार रह गया, आप ना रखना ये जो गैप है, ये को गैप रखना जरूरी नहीं है, वैसे इन दोनों के दरमियान गैप है। अब हमने 170 करने हैं सर, लाइफ नीचे से इशू करने हैं 120 ये वाले बेचे 70। अगला कहता है पूरे करो तो 50 ऊपर वाले हो गए पूरे उसके, तो अब ऊपर वाले 50 गए तो फिर 100 बच गए। लो इसमें स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चों? 800। और इशू कितना हो जाएगा? ठीक हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है एवरेज। एवरेज को जरा गौर से सुनना बच्चों। ये देखो ये 200 यूनिट्स हैं, ठीक है, नए कितने आ गए? ये 50। इसमें क्या होता है जब नए यूनिट्स आते हैं तो यूनिट्स यूनिट्स में ऐड हो जाते हैं, और बच्चों यूनिट्स यूनिट्स में ऐड, अमाउंट अमाउंट में ऐड। एवरेज में क्या होता है जब नए यूनिट्स आते हैं यूनिट्स यूनिट्स में ऐड, अमाउंट अमाउंट में ऐड। अब इनको आपस में डिवाइड करके एक एवरेज पर यूनिट निकाल लेते हैं, इनको आपस में डिवाइड करके क्या निकाल लेते हैं? एवरेज पर यूनिट। एट पॉइंट फोर निकल आई। अब इशू करने हैं 100। अब इशू कितने करने हैं बच्चों? 100। 8.4 के हिसाब से करेंगे। ये 8.4 क्या आई? सर जो एवरेज पर यूनिट है वो इस्तेमाल होगी। अब क्या इस्तेमाल होगी बच्चों? एवरेज इशू में क्या यूज होगी? एवरेज पर यूनिट। सर 100 इधर चले गए, 150 बच गए, चलो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट 120 आ गए हैं, क्या करूं? अभी नहीं बताया सर, आपने कहा अमाउंट में अमाउंट ऐड करें, रिसीव जब होंगे, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड करें। अमाउंट में अमाउंट ऐड हो गई, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड हो, इनको बेटे आपस में डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट वो हमें कहते हैं 170 हमने इशू की है, तो किस हिसाब से होंगे 170? सर ये लिखे 170, लें ऊपर से एवरेज पर यूनिट, करें आपस में मल्टीप्लाई। लो हो गया। अब बच्चों ये 840 और ये 1700, लो ये हमारा एवरेज मेथड हो, ठीक है। आप लोगों ने प्लीज इसको गौर से प्रैक्टिस